आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा भोपा बाजार में नवरात्र के पावन पर्व के 8वें दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फलाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस फलाहार कार्यक्रम में काफी संख्या में उपस्थित लोग एक साथ फल का प्रसाद ग्रहण किए। फलाहार कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याण पांडे ने कहा कि समाज को संगठित करने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उक्त फलाहार कार्यक्रम में समाज सेवी रिंकू जायसवाल ने कहा कि नवरात्रि का पर्व सुख समृद्धि लेकर आता है। राष्ट्रीय महामंत्री करुणेश पांडे एवं डॉक्टर गौरव पांडे ने कहा कि ऐसे समय व्रत पूजन अर्चन से विशेष फल प्राप्त होता है। फलाहार कार्यक्रम के आयोजन से समय में समरसता का भाव जागृत होता है। लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस फलाहार कार्यक्रम में मुख्य रूप से रिंकू जायसवाल, डॉक्टर रामेंद्र मणि त्रिपाठी, विश्व प्रेमी पांडे, सनी जायसवाल, रवि दुबे, रघुवंश मणि त्रिपाठी, सुमंत निषाद, अवधेश जायसवाल, स्नेलता आलोक पटवा, निखिल गुप्ता, अवध नारायण जायसवाल, शैलेंद्र दुबे, अनिल रावत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से न्यूज 9 भारत के लिए विनोद पासवान की रिपोर्ट। जी पांडे जी, किस तरह का कार्यक्रम आज का? अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के नेतृत्व में सनी बाबू के सहयोग से हर वर्ष की बात इस वर्ष भी फलाहार का कार्यक्रम रखा गया भोपा चौराहे। इस फलाहार कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाईचारा कायम हो, अमन चमन कायम हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, इसी को लेकर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग फलाहार का कार्यक्रम रखते हैं। धन्यवाद। पूज्य कल्याण पांडे जी के नेतृत्व में फलाहार का वितरण किया गया। रमजान का भी महीना चल रहा है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों ने मिलकर सहयोग किया। जय माता। अष्टमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय समाज सेवी श्री सनी जायसवाल जी के नेतृत्व में हर वर्ष बाद इस वर्ष भी फलाहार वितरण कार्यक्रम रखा गया और अधिक से अधिक मात्रा में मैंने देखा कि सभी लोगों ने फलाहार का सेवन किया और बहुत खुशी हुई। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए नवरात्र की बधाई देने की शुभकामनाएं देता हूँ। पंडित श्री कल्याण पांडे के नेतृत्व में फलाहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो बड़ी सुचारू रूप से संपन्न हुआ। फलाहार से सबको संतुष्टि हुई। माता जी सबको सुख और समृद्धि की वृद्धि करें। संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।